अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम शराद फ्रॉम कलेक्शन बज। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे डीकोड के बोल्ट 3 की, जो कि एक नई डिवाइस मार्केट में लॉन्च हुई है। तो आज इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर हम बात करें डीकोड के बोल्ट 3 की, तो इसमें दो तरह के कलर हैं, एक ग्रीन और दूसरा कलर जो सा इसमें आया है वो पर्पल कलर है। तो जिस कलर की आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो ग्रीन कलर है। तो मोबाइल को अनबॉक्स कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, जो उनसे पहली चीज़ है वो इसका वारंटी कार्ड दिया गया है। इसकी 1 ईयर की वारंटी है बोल्ट कंपनी की। इसके अलावा अगर हम बात करें डिवाइस की, तो डिवाइस हमें बहुत ही खूबसूरत सी इसमें डिवाइस दी गई है। इसे ओपन कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड, डिवाइस के ऑन होने तक मैं आपको चेक करता हूँ इसकी एसेसरी। तो एसेसरी की बात करें तो एसेसरी में इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो इसका वाइट सिलिकॉन मेरा ख्याल केस दिया गया। तो ये केस चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये केस की बात करें तो केस हमें इसमें वाइट सिलिकॉन केस दिया गया, जो कि बिल्कुल मुलायम सा और नरम सा इसमें केस दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अडाप्टर की, तो अडाप्टर हमें इसमें डीकोड ब्रांडिंग के साथ 15 वाट का इसमें फास्ट अडाप्टर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें केबल की, तो केबल हमें इसमें टाइप सी के साथ में पूरा केबल दी गई है। और मजे वाली जो सी चीज़ है, जो कि बाकी कंपनियों से यूनिक चीज़ है, वो इसमें इसकी हैंड फ्री है, जो कि जो सी बुफर वाली इसमें हैंड फ्री साथ में दी गई है डीकोड कंपनी। इसके अलावा इसमें सिम इंजेक्टर दी गई है। तो मोबाइल की सेटिंग कर लेते हैं जी हम कंप्लीट। तो फ्रेंड, मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट होने के बाद कैमरे की बात करें, तो कैमरा हमें इसमें ट्रिपल सेटअप के साथ 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया। साथ में हमें फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। मोबाइल कैमरे की सेटअप को प्रोमिनेंट किया गया है एक जौन सा मिरर से। इसके अलावा अगर हम बैक की बात करें, तो बैक हमें इसमें बैक मिरर की देखने को मिल जाएगी, जो कि शाइनिंग वाली इसकी बैक दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें साइड्स की, तो साइड में हमें साइड माउंटेड फिंगर मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन कीज देखने को मिल जाएगी। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें, तो नीचे वाली साइड पर हैंड फ्री जैक दिया गया, माइक दिया गया। चार्जिंग पोर्ट की बात करें, तो वो हमें टाइप सी की दी गई है। स्पीकर की बात करें, तो वो हमें सिंगल इसमें स्पीकर देखने को मिल जाएगा। मोबाइल की ऊपर वाली साइड की बात करें, तो ऊपर वाली साइड पे हमें इसमें माइक दिया गया, जो कि वीडियो कॉल के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे हमें सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी। इसे भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें डुअल सिम डालने के लिए स्लॉट दी गई है, और SD कार्ड डालने के लिए अलग से इसमें स्लॉट दी गई है बोल्ट 3 में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फ्रंट डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें इसमें 120Hz का IPS डिस्प्ले दिया गया, जो कि 6.7 इंच का इसमें डिस्प्ले है। तो 5 होल वाला इसमें डिस्प्ले दिया गया। फ्रंट कैमरे की बात करें, तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इसे पिक्चर को क्लिक करके भी चेक करते हैं इसके कैमरा रिजल्ट को। तो मेन कैमरे की बात करें, तो मेन कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का। कैमरे रिजल्ट की बात करें, तो कैमरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इसमें मेन कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जूमिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, और इसमें जो है क्लियरनेस काफ़ी हद तक बेहतर है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे को भी पिक्चर को क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट कैमरा भी हमें काफ़ी हद तक 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी जो है पिक्चर क्वालिटी ये कैमरे में दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमें इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया। चिपसेट की बात करें, तो चिपसेट हमें इसमें हीलियो G99 का इसमें चिपसेट दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी है इसमें गेमिंग जो है परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें बैटरी की, तो बैटरी हमें इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। जो सी इसमें मेन चीज़ है, वो इसमें NFC फीचर्स भी ऐड किया गया, जो कि एक यूनिक चीज़ है कि बाकी बहुत कम कंपनियों ने ये नई चीज़ जो सी है मुतारफ कराई है। और इस डीकोड के बोल्ट 3 में भी ये चीज़ मैंशन की गई है, और इसके वारंटी कार्ड के ऊपर भी इसमें मैंशन किया गया नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही जो सी यूनिक चीज़ है, बहुत कम मॉडल्स में अभी फिलहाल लॉन्च हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इसकी जो सी मेन चीज़ है, वो इसकी इनवॉइस है। तो ये 6+6 रैम और 128GB वाला ये वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट अभी मार्केट में आया। तो इसकी इनवॉइस की बात करें, तो इनवॉइस इसकी 35,000 रुपये इसकी इनवॉइस आई है, लेकिन ये आपको इनवॉइस से कम डिस्काउंट रेट पर ही मार्केट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।